जय श्री कृष्ण। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे यूं समझना चाहिए। पहला है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए तो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा है तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। पांचवा है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। छठा है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसीलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, उसको सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर
हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय आदि भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना उन्हें अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत दर्थ ही होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर सातवीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। सातवां है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहंकार भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या फिर नहीं, यदि नहीं तो क्यों। इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्ययोगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्ययोगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्ययोगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्ययोगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्ययोगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता को ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति बहुत बड़ा अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाना है तो यदि वह ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व ही पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा और पश्चिम ही पश्चिम दिशा की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है वह दोनों के ही
एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन हैं? क्या सभी वर्गों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी विशेष वर्ण, किसी विशेष आश्रम अथवा किसी विशेष जाति के ही लोग इनका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी विशेष वर्ण अथवा किसी विशेष आश्रम के लिए नहीं। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव, नरह, देह, भृत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी विशेष वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते, इसीलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित हैं उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्तिसंगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो फिर बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं, उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान ने सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानना होता तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए हैं वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। अशक्ति रण भिस्वंगा पुत्र दार गृहादिशु, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के साथ स्वरूपतः संबंध होने पर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। सन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहां अर्जुन ने विशेष सन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहां भगवान ने सन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है, सन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि भगवान को सन्यास शब्द से सन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर
अवश्य ही उनका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी, गृहस्थ आदि सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए सन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्मयोग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसीलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ द्रव्य और यज्ञ दान आदि कर्मों का स्वरूप से त्याग है, किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है। अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। जय श्री कृष्ण।